आईपीएल में बुधवार को चेन्नई और दिल्ली के बीच मैच खेला गया। यह मैच चेन्नई ने 27 रनों से अपना नाम किया। इस जीत के साथ सीएसके की टीम अब प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है। यदि सीएसके की टीम अपना अगला मुकाबला जीतती है तो वह प्लेऑफ की टिकट पक्की कर लेगी। चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, जिसके कारण उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा ने बॉलिंग में एक छक्के और एक चौके की मदद से 21 रनों की पारी खेली, साथ ही गेंदबाजी में 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। इस मैच में शिवम दुबे ने मात्र 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली। यह पारी उन्होंने 208 की शॉर्ट से खेली। इस पारी में उन्होंने शानदार 3 छक्के लगाए। शिवम दुबे के अलावा सीएसके की ओर से एमएस धोनी ने मात्र 9 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। इस मैच की बेस्ट बॉलिंग के बारे में बात करें तो दिल्ली की ओर से मिचेल मार्श ने 3 ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन उनकी यह बॉलिंग दिल्ली कैपिटल के काम नहीं आ सकी और दिल्ली कैपिटल 27 रनों से हार गई। और अगर बात करें सीएसके की ओर से तो सीएसके की ओर से पथराना ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। सीएसके की ओर से पथराना सबसे महंगे साबित हुए। सीएसके की ओर से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से रूसो ने 37 गेंदों में 1 छक्के की मदद से मात्र 35 रन बनाए, और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से